Hi guys, good evening. I'm Dilip Chaudhary and you are watching my channel Secure Academy. Guys, in today's video I'm going to discuss about reinforcement. What is reinforcement? यानी कि पुनर्बलन क्या होता है. ओके, पुनर्बलन जैसे आप समझ सकते हैं एकदम देसी एग्जांपल से, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दी जाए, यानी कि जब किसी को कोई चीज़ दी जाए या उससे कोई चीज़ ली जाए, इन दोनों के कारण अगर उसके बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है उसी को हम reinforcement यानी कि पुनर्बलन कहते हैं. ये दो प्रकार का होता है, समझ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. आप इस समय से आप समझ सकते हैं ये कितने प्रकार का होता है. दो प्रकार का होता है, जस्ट ए मिनट गाइस. ओके, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव. पॉजिटिव यानी जब किसी व्यक्ति को कोई चीज दी जाए वो पॉजिटिव, और जो जो किसी व्यक्ति से ली जाए वो नेगेटिव. इन दोनों के कारण अगर किसी के बिहेवियर में जो परिवर्तन आ रहा होता है उसी को हम रीइन्फोर्समेंट दैट इज पुनर्बलन, उसी को हम पुनर्बलन कहते हैं या रीइन्फोर्समेंट कहते हैं. क्यों, एक देसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे कोई बालक क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको डैडी क्या कहते हैं, देखो बेटा तुम अपना होमवर्क फटाफट पूरा करो, तुम्हें मूवी दिखाने के लिए हम ले चलेंगे, टीवी देखने के लिए एक घंटा समय दिया जाएगा. अब बालक अपना होमवर्क फटाफट पूरा करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसे मूवी देखना है. तो उसको बाहर से एक रीइन्फोर्समेंट मिला, उसको एक बाहर से एक पुनर्बलन मिला कि मैं अगर होमवर्क अपना जल्दी पूरा करूंगा तो मुझे मूवी देखने के लिए समय दिया जाएगा. तो ये बाहर से दिया जा रहा है जिसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया और वो पढ़ाई करने लगा. ओके, पॉजिटिव धनात्मक, इज दैट क्लियर माई पॉइंट. एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. नेगेटिव कैसे हुआ, नेगेटिव ये समझ सकते हैं, मतलब कोई बालक जो लगातार टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, ओके विद्यालय पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, उसके डैडीज क्या कहते हैं, बेटा चल तेरा स्कूल में दाखिल मतलब एडमिशन करवा देता हूँ पढ़ने जाना, उसके लिए उसके बदले में तेरे लिए बढ़िया बढ़िया से हम गिफ्ट वो लेके लाएंगे और तुम्हें बढ़िया बढ़िया तुम्हें क्या बोलते घुमाने चलेंगे, बाहर घुमाने के लेके चलेंगे. ओके, तब उसके कारण क्या करता है, वो पढ़ने के लिए क्या करता है, एडमिशन लेने के लिए जाता है और स्कूल में पढ़ाई चालू कर देता है. क्यों, क्योंकि उसे बाहर से मोटिवेशन तो मिला उसको ना, लेकिन उसके आदत में कमी की गई मूवी देखने के लिए. यानी कि उससे क्या उसकी बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है, दोनों के कारण, एक तो उसको बाहर से दिया जा रहा है उसके कारण भी उसके बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है, दूसरा उसके कारण उसको लिया जा रहा है ज़्यादा मूवी ना देखे उसके कारण भी उसके बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है. तो दैट इज द वर्ड थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द रीइन्फोर्समेंट. ओके, यही चीज़ होती है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है. और आप ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सेशन फॉर द सीटेट एग्जाम 2024. ओके.